के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गांव नाटाराम से हूँ और मैं स्पोर्ट्स में भी एक नेशनल प्लेयर हूँ, माउंटेनियर हूँ, माउंटेनिंग में मैं बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। अभी तक ये 22 राज्य मेरा बिहार है और मैं इन्हीं राज्यों में अभी तक 16 चीफ मिनिस्टर सर, 16 गवर्नर सर, वो देश के जाने माने 14 DGP सर और 700 IAS एंड 700 IPS प्लस 240 प्रोग्राम मैंने किए हैं। और मेरी इस यात्रा को मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से शुरू, स्पेशली आंध्रा CM सर ने भी मेरा बहुत हेल्प किया है और मैं इसी के आधार पे अभी तक 22 राज्यों का 18,250 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट कर चुकी हूँ। परिवार में मेरी माँ है और मेरी बहन है, माँ मेरी मजदूरी करते हैं और आज भी मजदूरी करते हैं। वो मुझे मजदूरी करा के मतलब मेरा पढ़ाई वगैरह करते हैं, मैंने पापा को तो देखा नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम अटल पथ पे हैं और हमारे साथ आशा मालवी है। आशा मालवी वो लड़की है जो महिला सशक्तिकरण को दर्शाना चाहती है, जो 22 राज्यों का अब तक सफ़र कर चुकी है, वो भी साइकिलिंग के आधार पर। साइकिलिंग से इन्होंने सफ़र किया है। अभी ये पटना में आई है और हम लोग को पता चला कि ये पटना में आई है, हम लोग इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए। तमाम मीडियाकर्मी यहाँ पर आकर इनसे बातचीत किया, इसी दौरान हम भी आए हैं। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण को ये दर्शाना चाहती है, महिला सशक्तिकरण के बारे में बताना चाहती हैं। लगभग 22 राज्यों का जब इन्होंने भ्रमण किया, वहाँ तमाम लोगों से, जो DM हो गए, CM हो गए, तमाम लोगों से इनकी बातचीत हुई। ये रहने का कैसे रहती हैं, क्या कुछ करती हैं, तमाम चीज़ों पर इनसे बातचीत करेंगे। कैसी हैं मालवी जी? अब मैं बहुत अच्छी हूँ और बिहार आके तो मैं और भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि पहली बार मतलब मेरा इस यात्रा में इतना टेम्परेचर मैंने देखा है, जो हुआ कि मतलब मेरे इस राइड का एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण पार्ट बन गया है और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। मेरा नाम आशा मालवी है, मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गाँव नाटाराम से हूँ और मैं स्पोर्ट्स में भी एक नेशनल प्लेयर हूँ, माउंटेनियर हूँ, माउंटेनिंग में मैं बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। अभी मैं संपूर्ण भारत सोलो साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर की और मेरा इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए अगर महिलाओं को सशक्त करना है तो पहले सुरक्षा का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी काम के लिए जाएंगे तो अगर आप वहाँ पर अगर अच्छा फील नहीं करें, सुरक्षित फील नहीं करें, तो आप एम्पावरमेंट को तो बढ़ाने की बात कर ही नहीं सकते। तो मैं इस यात्रा के माध्यम से मैं अकेले इस यात्रा को कर रही हूँ और मैं जिस तरह आज हमारे भारत देश की महिलाएं खुद भारत में होते हुए कहीं ना कहीं ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है, हम सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन सुरक्षा की फर्स्ट जिम्मेदारी हमारी खुद की होना चाहिए। और साथ ही मैं अभी तक ये 22 राज्य मेरा बिहार है और मैं इन्हीं राज्यों में अभी तक 16 चीफ मिनिस्टर सर, 16 गवर्नर सर, वो देश के जाने माने 14 DGP सर और 700 IAS एंड 700 IPS प्लस 240 प्रोग्राम मैंने किए हैं। और मैं बिहार राज्य में 2-3 दिन से हूँ, मैं हर तरह से कोशिश भी कर रही हूँ। मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय से भेंट करना चाहती हूँ, ताकि मैं बिहार राज्य का जो मेरा फीडबैक है मैं अदर राज्यों में दे सकूँ। और मेरी इस यात्रा को मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से शुरू किया है और मैं 15 अगस्त को जब आप चलती हैं जी, तो क्या क्या कुछ मतलब किस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है? सर, परिस्थिति तो नहीं, एक चुनौती है मेरा, क्योंकि जब किसी काम को करने से पहले हम सोच लेते हैं कि हमें करना है तो हम 50% उसे तभी अचीव कर लेते हैं, बाकी 50% हमारी एफर्ट होती है। तो मैंने तो सोच ही लिया था कि मुझे भारत यात्रा करनी है और महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करना है, ताकि मैं पूरे देश की महिलाओं को ये संदेश दे सकूं, मतलब कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, तो उसी को लेकर मैं काम कर रही हूं। तो मुझे समस्या तो कुछ लगता नहीं है। बाकी जब मैंने 1 नवंबर को शुरुआत किया तो बहुत सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी के थे, क्योंकि मेरा कोई फाइनेंशियली स्पॉन्सरशिप था नहीं और ना ही मुझे कोई हेल्प करने के लिए तैयार था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जब मुझसे पूछते थे कितने लोग जाएंगे तो मैं बोलती थी अकेली को जाना है, तो जो अकेली वाला कॉन्सेप्ट था सभी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। तो जिस दिन मैंने शुरुआत किया, सिर्फ मेरे पास एक बैग था, एक साइकिल थी, एक GPS था, 5,000 रुपये मेरी पॉकेट में थे, एक छोटा सा बैग मैंने लेके इस जर्नी का शुरुआत भोपाल से किया था। और उसी को शुरू करते करते मैं धीरे धीरे सभी से मिलती गई और सभी लोग मेरा हेल्प करते गए और स्पेशली आंध्रा CM सर ने भी मेरा बहुत हेल्प किया है। और मैं इसी के आधार पे अभी तक 22 राज्यों का 18,250 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट कर चुकी हूँ। और लास्ट आपका जो रुकेंगी, जहाँ लास्ट आपका स्टॉपेज होगा, वो कौन सा स्थान होगा? मैं 15 अगस्त को इसका समापन दिल्ली में करने वाली हूँ और दिल्ली में मेरा इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य खत्म करने का कि मैं वहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मैं मिलना चाहती हूँ, ताकि 28 राज्यों का फीडबैक देने के साथ साथ मैं हमारे जो देश की छवि है वो विश्व में भी गौरवान्वित होती रहे, वैसा संदेश मैं पूरे विश्व को भी वहाँ से देना चाहूँगी। तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ और समय मांगने की भी कृपा करती हूँ कि ताकि वो मुझे अपने कीमती समय से समय देने की कृपा करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का फैमिली है, किस तरह का बैकग्राउंड है और यहाँ तक का सफ़र? क्योंकि फैमिली वाले एक लड़की को निकालने में बहुत मुश्किल होती है। आजकल एक लड़की घर से निकलना
परिस्थिति एकदम उस फैमिली के लिए, उस परिवार के लिए विकट होता है। आप साइकिल से निकलती हैं, 22 राज्य का अब तक सफ़र तय कर लिया है और आगे की जर्नी शुरू है। मेरे परिवार में मेरी माँ है और मेरी बहन है। माँ मेरी मजदूरी करते हैं और आज भी मजदूरी करते हैं। वो मुझे मजदूरी करा के मतलब मेरा पढ़ाई वगैरह करते हैं। मैंने पापा को तो देखा नहीं है और मेरे पापा की शायद 3 साल की मैं थी तभी डेथ हो गई थी। तो मेरी माँ ही मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा सब कुछ है। मतलब एक बोलते हैं ना, मुझे इन सब करने की प्रेरणा मेरी माँ से ही मिली है, क्योंकि जो पूरे साल मजदूरी करती थी, मेरा स्कूल का फीस पे करती थी, तो मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। और रही बात मैं जिस काम के लिए निकली हूँ, महिला एम्पावरमेंट और महिला सेफ्टी के लिए, तो अगर एक राइड नहीं, अगर मेरे देश के लिए अगर ऐसी 10 और राइड भी मुझे करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी घर परिवार किस तरह से चलता है? घर परिवार सब मेरी माँ है, वो देखते हैं, मतलब वो करते हैं, कुछ राशन वगैरह मिलता है, तो वैसे ही मेरा घर परिवार चलता है। बाकी मेरे परिवार में ज़्यादा कोई है नहीं, मेरी माँ ही मेरे घर को चला रही है फिलहाल, तो कुछ भी नहीं। अभी आप चल रही हैं रास्ते में, जब चलती हैं तो उस दौरान क्या कुछ कैसा? सर चलने के साथ साथ रही बात एक्सपेंसिव की, तो एक्सपेंसिव में मुझे सभी हर राज्यों में हेल्प करते हैं थोड़ा बहुत। और प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स तो हर चुनौती हैं, डेली एक्सेप्ट करना है और हर समस्या का सामना करके आगे बढ़ना है। और रही बात वैसे कि अगर देश में ये बात करूँ मैं कि ऐसा कौन सा जगह है कि जो मुझे सेफ नहीं लगा, मुझे हर जगह सेफ लगा, ना ही मुझे अभी तक किसी ने परेशान किया है, ऐसे किसी भी चीज़ का कोई सामना परेशानी का मुझे नहीं करना पड़ा। और वाकई में मेरे देश की मतलब सभी देशवासियों से या पूरे विश्व को ये संदेश देती हूँ कि भारत एक महान देश और भारत महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है। आशा मालवी निकलती हैं और सफ़र लगातार, कितना दिन से सफ़र कर रही हैं आप? मेरा 8 महीनों से। 8 महीना से लगातार सफ़र कर रही हैं और ये साइकिल आप देख पा रहे होंगे, इस साइकिल के से पूरा अब तक 22 राज्य का सफ़र कर चुकी हैं और ये अब दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगी और लास्ट इनका स्टॉप होगा दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली जाएंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगी महिला सशक्तिकरण को लेकर के? महिला सशक्तिकरण, आप जब तक आप खुद में सशक्त हैं तो आप बहुत सशक्त हैं। और सशक्तिकरण को लेकर गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रयास कर रही है। मैंने यहाँ पर भी माननीय सीएम सर का सुना कि वो महिलाओं के कहने पे मतलब दारू यहाँ पर बैन है, शायद शराब बैन है बिहार में। और सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये भी है कि महिला सशक्त होकर आगे आई और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और मैं इसीलिए निवेदन करती हूँ मतलब कि बिहार के सीएम सर और ऑनरेबल गवर्नर सर से कि वो मुझे अपने कीमती समय से समय देकर एक सशक्तिकरण का और बढ़ावा दें और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक मतलब देने की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आशा मालवी थी, इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देखना तो फॉलो ज़रूर करें। कैमरामैन मुकेश के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।